250 झूठ, जैसे पहले 150 झूठ बोली 5 साल पहले, अब ये 250 झूठ बोल दी। आपने कांग्रेस से निष्कासन की लिस्ट निकाली थी 16 की, लेकिन बगावत जो है वो अभी भी बढ़ी हुई है, क्या और भी लिस्ट आगे आ सकती है? देखो ऐसा है, चुनाव में बहुत से लोग उम्मीद लगा कर बैठते हैं और कईयों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये सब बातें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर के, कार्यकर्ता के बूते पर, अपनी विचारधारा के बूते पर और अपने नेतृत्व के बूते पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हम ये चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। एकदम सुर बदल गए, अब सुर बदल गए, 5 साल क्या बोलते रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो असली बात है वो सारा अंबाला जानता है, इसलिए इस तरह की बात नहीं। और मैंने खुद कहा कि हमने इस संकल्प पत्र में डाला है कि हमारी सरकार बनेगी IMT अंबाला जिला में बनेगा, और यही मेरी पहले भी मांग थी। बेशक हमारी सरकार थी और हमारी सरकार के खिलाफ हम बैठे थे, क्योंकि वहाँ के लोग, हमारे किसान और उस टाइम की यूथ कांग्रेस ने मुझे वहाँ बुलवाया, धरने पर बुलवाया, और जो अब ये कह रहे हैं उन्होंने खुद मुझे बुलवा कर वहाँ पर धरने पर बैठाया, और मैंने ये टेकअप किया ताकि उस जगह पर ना बने, अंबाला जिले में कहीं और बने जहाँ पर उतनी उपजाऊ जमीन उजाड़ ना चाहिए। सबको मनाएंगे, सबसे मैं आह्वान करती हूँ कि गले लगें, टिकट तक होती है बात, उसके बाद गले लगें और कांग्रेस पार्टी का साथ दें। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ना कोई शिष्टाचार जानते हैं, ना कोई संस्कृति जानते हैं, ना कोई सभ्यता जानते हैं। वो अब एक बार नहीं, बार बार महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और ओछी सोच का प्रमाण देते हैं। सोनिया गांधी जी के व्यक्तित्व पर उनके कहने से कोई असर नहीं होगा, हाँ उनकी ओछी सोच जरूर सामने आ जाती है।